नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी कंपनी में सैलरी का डाटा एंट्री माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट में टाइप करना होगा सीरियल नंबर। चलिए हम टाइप करते हैं उसके बाद आपको टाइप करना होगा नेम। उसके बाद आपको टाइप करना होगा सैलरी। उसके बाद आपको टाइप करना होगा वर्किंग डे। उसके बाद आपको टाइप करना होगा वर्किंग डे अमाउंट। उसके बाद आपको टाइप करना होगा ओवर टाइम। उसके बाद आपको टाइप करना होगा ओवर टाइम डे। उसके बाद आपको टाइप करना होगा ओवर टाइम अमाउंट। उसके बाद आपको टाइप करना होगा टोटल अमाउंट। उसके बाद आपको टाइप करना होगा ESI 1%। उसके बाद आपको टाइप करना होगा फंड 9%। आपके कंपनी में जितना भी परसेंट कटता होगा आपको सिंपली से यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है ग्रॉस टोटल। सीरियल नंबर में चलिए डालते हैं 1 इंटर। जो इंटर नेम में आप जो भी नाम होगा इसमें आप आराम से डाल सकते हैं। तो रोशन मिश्रा का सैलरी कितना है आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। चलिए हम ऐड करते हैं 2 का वर्किंग डे कितना है, मतलब कितना दिन वर्क किया है। तो चलिए हम डालते हैं इसमें 20 एंड 24।
उसके बाद वर्किंग डे अमाउंट कितना हुआ। तो चलिए हम फॉर्मूले से तैयार करते हैं, बराबर ब्रैकेट सी सिक्स सॉरी C3 मल्टीपल D3 इक्वल टू 30। यदि इसमें 31 का महीना है तो 31 भी दे सकते हैं, 28 का मंथ है तो 28 भी दे सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज मारते हैं इंटर, तो 20 दिन का टोटल पेमेंट 10,000 हुआ। उसके बाद आपको आना है ओवर टाइम में, तो सेम इसमें भी होगा राजू सिंह में। तो चलिए टाइप करते हैं, बराबर ब्रैकेट तो फिर C4 मल्टीपल D4 मल्टीपल D4 इक्वल टू 30 ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके बाद ओवर टाइम में आना, ओवर टाइम कितना किया है तो चलिए हम टाइप करते हैं। जैसे ये 48 घंटा का ओवर टाइम इनका है और इनका चौबीस घंटे है। उसके बाद ओवर टाइम डे पे क्लिक करना, ओवर टाइम डे पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से फिर से इक्वल टू ब्रैकेट F3 डिवाइडेड आपके कंपनी में यदि सैलरी 8 आवरली लगता है तो 8 डालें, 10 आवरली लगता है तो 10 डालें, 12 आवरली लगता है तो 12 डालें। मेरी कंपनी में 8 आवरली लगता है तो उस पर क्लिक करते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो ओवर टाइम टोटल 6 डे का हुआ, 6 डे का। तो फिर इसमें भी वैसे ही करते हैं इक्वल टू ब्रैकेट F4 डिवाइडेड 8 ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसका 3 डे का ओवर टाइम हुआ। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओवर टाइम अमाउंट पे, तो फिर से करते हैं। चलिए इक्वल टू ब्रैकेट C2 मल्टीपल G2 डिवाइडेड 30 ब्रैकेट क्लोज। इसमें नहीं आया, बराबर ब्रैकेट C3 मल्टीपल G3 डिवाइडेड 30 ब्रैकेट क्लोज इंटर। ओवर टाइम का अमाउंट 3,000 हुआ, चलिए ऐड हो गया। तो सेम टू सेम इसमें भी करना है, बराबर ब्रैकेट C2 मल्टीपल C3 मल्टीपल G3 डिवाइडेड
गिफ्ट है। ब्रैकेट क्लोज इंटर आ गया। अब टोटल अमाउंट पे आना है। टोटल अमाउंट में आपको फिर से क्लिक करना है बराबर। इसका टू ये टू प्लस एस टू ब्रैकेट क्लोज इंटर। बराबर इसका टू ए थ्री प्लस एच थ्री ब्रैकेट क्लोज इंटर आ गया। सेम टू सेम इसमें भी करना है बराबर। इसका टू ए थ्री प्लस एस थ्री ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके बाद पी एस आई 1% करता है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से टाइप करना है बराबर ब्रैकेट ई थ्री मल्टीपल 1% ब्रैकेट क्लोज इंटर। 1% का 100 है तो इस पर आ गया। सेम इस पर भी करना है क्लिक बराबर ब्रैकेट ई फोर, क्योंकि ई फोर में है तो इसमें ई फोर डालना है। ई फोर मल्टीपल 1% ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसका 96 रुपया हुआ तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से टाइप करना है बराबर इक्वल टू ए थ्री मल्टीपल 9% ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो फंड में 900 रुपया हुआ तो 900 रुपया कट गया इसमें सिंपली से। फिर इसमें भी करते हैं बराबर ब्रैकेट ए फोर मल्टीपल 9% ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके बाद आते हैं एस टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट पे आने के बाद फिर से टाइप करते हैं बराबर ब्रैकेट आई थ्री माइनस